दिवंगत एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में सनसनीखेज दावा सामने आया है। आरोप है कि 15 करोड़ के बदले सतीश कौशिक की हत्या की गई। दरअसल सतीश कौशिक ने जिस फार्म हाउस पर पार्टी की थी उसके मालिक कुबेर ग्रुप के विकास मालू की पत्नी सानवी ने आरोप लगाए हैं। विकास की पत्नी के मुताबिक सतीश की मौत में उनके पति का हाथ हो सकता है। सानवी मालू ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजी है। सानवी ने लिखा है कि विदेश में सतीश एक बार विकास से अपने 15 करोड़ रुपए लेने आए थे, जिस पर दोनों की बहस भी हुई थी। इस दौरान विकास ने यह कहकर सतीश को टाल दिया कि वो बाद में पैसे दे देगा। ऐसे में हो सकता है कि विकास ने ही सतीश को गलत दवाई खिला दी हो ताकि पैसे ना देना पड़े। साथ ही विकास मालू की पत्नी सानवी ने मामले में जांच की मांग की। जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं और ये क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपका, तो मुझे यही बोला गया कि सतीश जी ने 15 करोड़ रुपए उनको दिए थे जो कि कोरोना के टाइम पे डूब गए, तो विकास मालू जो मेरे हस्बैंड है उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूंगा और मेरे को सतीश जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी गंदी लैंग्वेज बोली गई कि वो ऐसे आदमी हैं और मैं तो इनको जो है ना रशियन लड़कियां बुला के ब्लू पिल्स दे के मैं इनका काम तमाम करूंगा। और इधर विकास मालू ने अपनी पत्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सुनिए उनका क्या कहना है। मेरा आज तक सतीश जी से मेरा खाली पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा। पारिवारिक रिश्ता है मेरा, आज तक उनसे कोई बिजनेस में या किसी में वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन कोई भी, हम किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है। पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता आप भी जानते हैं पारिवारिक रिश्ता क्या होता है।